डिजिटल होते इंडिया में जब सब कुछ मोबाइल फोन में ही मिल रहा हो तो फिर मोबाइल फोन रखना लोगों की मजबूरी के साथ स्टेटस सिंबल भी बनता जा रहा है। एम्स और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक शोध अध्ययन से पता लगाया है कि लंबे समय तक मोबाइल फोन के इस्तेमाल से शरीर में बीमारियां पैदा करने वाले जैविक बदलाव देख रहे हैं। 2013 से दिल्ली NCR के 4,500 लोगों पर की जा रही स्टडी के शुरुआती नतीजों के आधार पर कहा गया है कि ज्यादा मोबाइल फोन यूज करने से सुनने और बच्चे पैदा करने की क्षमता पर असर पड़ रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक लगातार मोबाइल का इस्तेमाल करने से ध्यान में कमी के साथ हाइपर एक्टिव जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ ही मोबाइल रेडिएशन का बुरा असर पड़ता है। क्या जो हैवी यूजर्स हैं स्पेशली और जो मॉडरेट यूजर हैं, क्या उनमें जो सेल फोन यूज कर रहे हैं उनमें कोई चेंजेज हो रहे हैं, जिसमें हमने काफ़ी सारे पैरामीटर लिए हैं, जिसमें कि इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, आपके न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हैं, कैंसर से हैं, कार्डियोवास्कुलर है। लेकिन जो अभी हमारी जो इंटरम रिपोर्ट जो निकली है उससे एक ही चीज़ जो हमें पता चला वो ये कि एक ऐसा ट्रेंड है कि कुछ बायोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं उसमें जो नॉर्मल से बदलाव नज़र आ रहा है। तो ये कहना अभी कि क्या ये बायोलॉजिकल चेंजेस जो हमें ऑब्जर्व हो रहे हैं ये एडवर्स इफेक्ट या हेल्थ इफेक्ट या एडवर्स किसी डिजीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, अभी इसको इस पर कमेंट करना उचित नहीं होगा। ICMR के शोधकर्ताओं ने अध्ययन को 3 कैटेगरी में बांटा है। पहले में आधे घंटे तक मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले यूजर, दूसरे में 1 घंटे तक मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले यूजर और तीसरे में 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करने वालों को रखा गया है। इससे पता चला है कि जो यूजर जितना ज्यादा इस्तेमाल करता है मोबाइल का, उसे उतनी ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गायनोलॉजी के डॉक्टर JV शर्मा का कहना है कि जो गर्भवती महिला मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करती है उनको अबॉर्शन का खतरा ज्यादा हो जाता है। जो थोड़ा ट्रेंड लग रहा है कि यह बायोलॉजिकल फंक्शन को नुकसान कर सकता है, तो जैसे मेल में ऐसा देखा गया है यदि बहुत ज़्यादा सेलफोन यूज करें, मतलब देखो कुछ तो यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, सेलफोन के बिना आजकल गुजारा नहीं, मैं भी यूज़ करता हूँ, बट उसका कम से कम यूज़ करना जो ज़रूरी है उतना करना चाहिए। बहुत ज़्यादा यूज करने से ऐसा देखा गया है कि जो स्पर्म काउंट है वो थोड़ा कम हो सकता है, तो उस तरह से यदि बहुत कोई यूज करे तो उसको इनफर्टिलिटी होने का खतरा है। अभी हम इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाए हैं, बट ऐसा ट्रेंड लग रहा है। ऐसे ही जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, मतलब बच्चे के दौरान, उस टाइम यदि वो बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करें तो थोड़ा सा हमें ट्रेंड ऐसे लग रहा है कि जैसे हल्का सा एबॉर्शन का रिस्क थोड़ा ज़्यादा होने का खतरा है। केंद्र सरकार ने ज़्यादा रेडिएशन वाले मोबाइल फोन्स की बिक्री पर रोक लगा रखी है। इंडियाज नेशनल स्पेसिफिक एब्जॉर्वेशन रेट लिमिट के अनुसार मोबाइल के रेडिएशन का मानक अधिकतम 1.6 वॉट प्रति किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि चीन समेत कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां इसकी परवाह किए बिना धड़ाधड़ अपने स्मार्टफोन भारतीय बाजार में उतार रही है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।